जय विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र डिवाइन ग्रेस अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय श्री श्री निताय हरि की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय

देवी सरस्वती व्यास तथो जयमुदीरिए नष्टाए भद्रेश् निगवत सवया भगवतीुतमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज भागवतम चौथा स्कंद अध्याय, प्रचेताओं को नारद का उपदेश श्लोक संख्या चार तम, तम आगतम, आगतम ते, ते, ते उत्थ प्रणिपत अभिनंद्य पूजयित्वा यथा आदेशम सुख आसीनम अथ अब्रुवन तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथा देशं सुखासीनं मथा ब्रुवन् तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्यच परिपत्याभिनन्द्यच पूजयित्वा यथादेशं पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनं मथा भृवन् तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्यच परिपत्याभिनन्द्यच पूजयि सुखासीनम था तम उसको आगतम आया हुआ ते सभी प्रचेता उत्थाय उठकर रणिपत्य नमस्कार करके नमस्कार करके। स्वागत करके, करके। च भी पूज्यित्वा पूज पूजा करके, करके। यथा आदेशम यथा आदेशम विधि पूर्वक सुख आसीनम सुख पूर्वक आसीन होकर अथ इस प्रकार अभ्रुवन उन्होंने, उन्होंने कहा तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद प्रचेता उन्हें जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए यथा अपेक्षित तुरंत उन्होंने नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे बस इतना ही तात्पर्य है ओम ज्ञान तिरा दस्यंजनशला कया येना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं प्राप्तं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतप्रभ श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाः सहगण ललिता शिव शाखा न्वितामस्य नमो ओम कृष्णो पादाय कृष्ण पृष्ठाये भूतले श्रीमते मते भक्ति वेदांत स्वामेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोन्दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने क्रिष्ना गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धामवृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमो न परह हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो गोपिका गो गोपेश राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानु सुते देवी प्रणमा हरि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्रीअद्वगदाधर शिवासादे गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो प्रसंग ये चल रहा है कि प्रचेतागण नारद मुनि का संग प्राप्त कर रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि प्रचेतागण अपने युव अवस्था में भगवान का दर्शन कर चुके थे उनका सौभाग्य देखें सबसे पहली बात तो ऐसे एक सभ्यता में एक संस्कृति में उनको जन्म मिला जहाँ की भगवत प्राप्ति को प्रधानता दी जाती थी ये समझा जाता था कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है और यही सत्य है हमारे शास्त्रों के अनुसार उनके पिता राजा प्राचीन बरिषत ने उनको तप करने के लिए वन में भेजा जबकि वो राजकुमार थे वन में जब गए तो पहला पहली बार जब सौभाग्य उनको और हुआ उनका उन्होंने शिवजी का दर्शन किया शिवजी तो महान वैष्णव हैं शिवजी ने उनके सौम्य व्यवहार और स्वभाव और चरित्र को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें एक गीत सिखलाया रुद्र गीत जिसके द्वारा जिसका पठन करके वो भगवान की प्राप्ति कर सकते थे शिव जी के आदेशानुसार प्रचेताओं ने इस गीत का पठन किया जल के भीतर तपस्या करने लगे अनेक वर्षों के बाद स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर भगवान स्वधाम लौट गए उधर प्रचेता कर्ण बाहर आए जल के उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी में वृक्ष भरे हुए हैं सब जगह जंगल ही जंगल है उन्हें क्रोध आया इसके बाद पिछले पिछले हफ्ते विस्तार में चर्चा की थी आपको याद होगा वृक्षों का महत्व क्या है इत्यादि तो फिर वनों को या वृक्षों को जब वो जला रहे थे तब स्वयं ब्रह्मा जी आए उन्होंने वृक्षों से निवेदन किया कि उनके पास जो एक पुत्री एक पुत्री थी उनकी वो मारिशा उनको प्रचेताओं को दे दें विवाह में तो प्रचेताओं ने से विवाह किया उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दक्ष अब दक्ष भी बड़े हो गए वो आगे चल के बहुत बड़े प्रजापति बने दक्ष का नाम तो हम सब ने सुना है और आगे चल के और भी जो कथाएं दक्ष शिवजी आदि के संबंध में हम सुनने वाले हैं इसी स्कंध में तो जब अनेक वर्षों तक प्रचेताओं ने राज किया पृथ्वी के ऊपर तो वैदिक सभ्यता के अनुसार उन्हें अब वन प्रस्थ आश्रम स्वीकार करना था या वन में प्रस्थान करना था उन्होंने ऐसे किया और उनके पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के हवाले करके वो निकल पड़े समुद्र के किनारे आ गए वहाँ पर भी उन्होंने एक एक साधु का सानिध्य प्राप्त किया और फिर वहाँ अपनी भक्ति और अपनी तपस्या पुनः करने लगे और इस समय जब वो योगाभ्यास में स्थित थे उस समय तो ये प्रथा थी ये पद्धति थी भगवत साक्षात्कार के लिए तो नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हुए नारद मुनि की भूमिका भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है महा नारद मुनि की उपस्थिति ऐसे देखा जाए तो प्राय हर एक महत्वपूर्ण भक्त के जीवन में देखा जाता है आपको उदाहरण दे सकते हैं कि नारद मुनि ने किन किन भक्तों के ऊपर कृपा की ये अनेक महत्वपूर्ण भक्त हैं ध्रुव महाराज के ऊपर कैसे कब कृपा की उन्होंने उनकी उनकी मतलब, तो ध्रुव कहा जा रहे थे वो वन में जा तो रहे तो थे रहे। तपस्या करने के लिए किस उद्देश्य से भगवान प्राप्ति के लिए भगवान को प्राप्त क्यों करना चाहते थे साम्राज्य उनको चाहिए था बड़ा राज्य चाहिए था उस समय नारद मुनि उनके पास आए उन्होंने उपदेश दिया इस प्रकार से नारद मुनि उनके गुरु बने और किन के जीवन में नारद मुनि आते हैं मृगारी के जीवन में मृगारी एक बहुत क्रूर शिकारी था आधा जानवरों को मार डालता था और उनको तड़पा तड़पा के फिर मार दे मार देता था तो नारद मुनि वहाँ आए मृगारी के ऊपर कृपा की और मृगारी को उन्होंने संत बना दिया और वाल्मीकि महर्षि उनका नाम पहले था रत्नाकर ऐसे लोग कहते हैं वो भी ऐसे ही मृगारी की तरह क्रूर शिकारी थे उनके ऊपर नारद मुनि ने कृपा की हुँ? और इसलिए वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में नारद मुनि की भूमिका दिखाई पड़ती है चाहे वो रामलीला में हो कृष्ण लीला में हो भगवान के अन्य अवतारों की लीलाओं में हो नारद मुनि प्राय सर्वव्यापी हैं और प्रहलाद महाराज कब जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे अपने माँ के नारद मुनि ने आके भगवत उपदेश दिया माँ को परंतु नारद मुनि का उद्देश्य केवल माँ को उपदेश देना नहीं था उन्हें पता था कि इस महिला इस महारानी के गर्भ में जो राजकुमार हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं और आगे चल के बहुत कुछ करेंगे इसलिए उनका मूल उद्देश्य था कि इस भक्त को वो उपदेश करें तो गर्भाधान संस्कार तो का जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी उनका तो हो गया था अब ये गर्भ संस्कार भी हो रहा हुँ? तो नारद मुनि ने आके भागवत का उपदेश दिया तो जब कोई महिला गर्भवती होती है तो शास्त्रों को सुनना भगवान की कथाओं को सुनना श्लोकों का पठन करना कीर्तन करना ये सब बहुत आवश्यक है न केवल माँ के लिए न केवल परिवार के लिए परंतु जो गर्भ में स्थित शिशु है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है तो ना तो प्रहलाद महाराज अच्छा ठीक है ठीक हाँ तो प्रहलाद महाराज का सौभाग्य देखिए नारद मुनि ने गर्भ संस्कार किए उनके लिए जब वो गर्भ में थे उन्होंने आके उनको उपदेश दिया कयाधो को नींद आ गए कभी वो भी सो गई कथा के दौरान परंतु प्रहलाद महाराज जो कि पेट में थे माँ के वो नहीं सोए वो ध्यान से सुनते रहे कभी कभी ऐसे ही तो ये प्राचीन एक परंपरा है कथा में सो जाना <laughs> कोई नई बात नहीं है या कभी कोई उपदेश देते हैं पाठशाला में विश्वविद्यालय में भी तो प्रवचनों में भी होता है चक्रव्यूह और अभिमन्यु के बारे में भी आपने सुना होगा क्या सुना है वो भगवान को पूछती है कि चक्रव्यूह के बारे में तब वो गर्भवती है होते होते वो भगवान उनको बताते रहते हैं उसी वक्त वो हो वो जाती है लेकिन अंदर जो अभिमान्यु गर्भ के रूप में शिशु के रूप में रहते है वो सुनते रहते हैं और अंदर से हाँ, हाँ हाँ भी कहते रहते है तो लेकिन क्या हुआ आधा ही चक्र वो भीतने का मार्ग बता दिया बाहर निकालने का बात होता है तब सुभद्रा सो जाते है तो वो दिखते हैं अरे सो गए तो बंद कर देते तो दूसरे स्रिप... शब्दों में कभी कभी ऐसे प्रवचन के दौरान ये सोने की आदत जो है ये पुरानी है <laughs> कभी कभी आधुनिक काल में भी ये देखा जाता है तो उसी तरह कयाधो को भी नींद आ गई प्रवचन में लेकिन प्रहलाद महाराज पेट के अंदर से ध्यान से सुन रहे थे तो नारद मुनि ने और किन के ऊपर कृपा की कौन सी लीलाओं में नारद मुनि ने भाग लिया नलकुवर नल और मणिग्रीव वृंदावन में भी नारद मुनि जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है नलकुवर मणिग्रीव को उन्होंने शाप दिया हालांकि उस समय नलकुवर मणिग्रीव वृंदावन में नहीं थे वो तो अपने स्वर्गीय लोक में थे परंतु वहाँ से उनको शाप दिया और फिर उनका जन्म इन दोनों का नलकुवर मणिग्रीव का जन्म यमलार्जुन वृक्षों के रूप में हुआ आगे चल के हुँ? और कहाँ नारद मुनि की भूमिका की लीला दिखाई पड़ती है सुनाई पड़ती है पास द्वारका में वसुदेव के पास आते हैं वसुदेव को उपदेश देते हैं नारद मुनि कितने कितने असंख्य बड़े बड़े भक्तों के गुरु हुए हैं गणना नहीं कर सकते हम तो द्वारका में भी वसुदेव को आके उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए जो कि हम भागवत के कौन से स्कंद में पाते हैं ग्यारहवें स्कंध में और नारद मुनि हाँ व्यासदेव जी के गुरु हैं तो प्रथम स्कंध में हम व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में जो संवाद है वो भी सुनते हैं नारद जी ने हल्के रूप से व्यासदेव जी को डांट भी सुनाई इतने सारे सारे शास्त्र आपने तो लिख लिए परंतु ज्ञान के नाम पर वेदों के नाम पर आपने केवल इंद्रित तृप्ति को बढ़ाया है आपने हरि भक्ति या भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है इसलिए स्वयं आप भी अंदर से असंतुष्ट हैं इसलिए अभी आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए तो तब व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की लीला की रचना करना शुरू कर दिया और युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं और उनको उपदेश देते हैं और फिर उपदेश देते हैं और क्या वहाँ युधिष्ठिर महाराज के संबंध में और क्या करते हैं, करते हैं है उस समय भी नारद मुनि रहते हैं राजसु यज्ञ युधिष्ठिर महाराज के उसमें भी उपस्थित रहते हैं हुं? और कंस कंस के पास भी आते हैं हुं? कांस के पास आके थोड़ा छल करते हैं परंतु भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाँ चित्रकेतु चित्र चित्रकेतु के पास आते हैं क्या बोलते हैं चित्रकेतु को उपदेश क्या देते हैं संकर्षण भगवान के भक्त हैं का हाँ है। हम्म तो जब नारद मुनि किन के पास साथ में आते हैं पर्वत, पर्वत, पर्वत मुनि दूसरी बार पहली बार अंगिरा मुनि और पर्वत, पर्वत मुनि आते फिर बाद में आते हैं नारद मुनि साथ में तो वो उपदेश देते हैं और कहाँ प्राचीन भरिषद को उपदेश दे ही रहे हैं और आगे चल के अभी प्रचिताओं को भी देने वाले हैं इस तरह से हम सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं हमारे शास्त्रों में कि नारद मुनि कितने महत्वपूर्ण हैं हम सब के लिए भक्ति के इतिहास में नारद मुनि का नाम तो आना ही आना है नारद मुनि कोई साधारण भक्त नहीं है बहुत विशेष है और भगवान के प्रतिनिधि होकर अपने वीणा बजाते बजाते नाम संकीर्तन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में वो भ्रमण करते हैं और अचानक कहीं भी प्रकट हो जाते हैं जहाँ वो समझते हैं अपने त्रिकालज्ञता से कि मेरी आवश्यकता है यहाँ प्रचार का अवसर है तो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं चाहे वो किसी राजा के दरबार में क्यों ना हो चाहे किसी यज्ञ राजा के यज्ञ स्थली में क्यों ना हो चाहे किसी ऋषि के सामने वन में क्यों न हो कहीं भी क्यों ना हो वो प्रकट हो जाते हैं ऐसी इनकी शक्ति है इसलिए नारद मुनि भी एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं तो शक्त्यावेश अवतारों के बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं ये शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं ये वैसे जीवात्माएं होते हैं एक आध बार विष्णु होते हैं लेकिन साधारणतः जीवात्मा होते हैं जिनमें शक्ति का आवेश भगवान ने किया हुआ होता है और हरेक शक्त्यावेश अवतार को भगवान ने किसी विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की हुई होती है जैसे कि चतुष्कुमारों को ज्ञान की शक्ति मिली परशुराम को दुष्ट दमन शक्ति मिली और पृथु महाराज को प्रजापालन शक्ति मिली शेष को भूधारण शक्ति मिली और कोई व्यास व्यासदेव को ग्रंथों के वेदों की रचना करने के लिए शक्ति मिली और नारद मुनि को कौन सी शक्ति मिली भक्ति शक्ति भक्ति, शक्ति। भक्ति भी शक्ति है सर्वश्रेष्ठ शक्ति भक्ति है संसार में तरह तरह के शक्तियाँ होती हैं बौद्धिक शक्ति है शारीरिक शक्ति है सैन्य शक्ति है आर्थिक शक्ति है भावनात्मक शक्ति है परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सबसे श्रेष्ठ शक्ति है भक्ति शक्ति क्योंकि भक्ति की शक्ति से ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जो अन्य शक्तियों के द्वारा नहीं हो सकते हृदय का परिवर्तन करके भगवत प्रेम हृदय में लाके व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दे के उसे भगवत धाम में पहुंचाने की क्षमता ये भक्ति शक्ति की होती है ये एक क्रांति है क्रांतियां तो इतिहास में हमने बहुत सारी देखी हैं तलवारों की बंदूकों की क्रांतियां इत्यादि होते हैं परंतु जो भक्ति की क्रांति है ये सबसे महत्वपूर्ण है और नारद मुनि प्रधान क्रांतिकारी है और नारद मुनि के शस्त्र कौन से हैं उनकी वीणा और गोलियां कौन से हैं हरिनाम और नारद मुनि और किन के पास आए थे भागवतम में देखिए सभी लोग नारद मुनि का स्वागत करते हैं परंतु एक लक्ष्मण रेखा पार करते हैं ना नारद मुनि तब तो वही लोग जिनको जो उनका सम्मान करते थे अब विरोध करना शुरू करते हैं कौन सा उदाहरण है भागवतम में दक्ष प्रजापति के पुत्र थे कौन से पुत्र पहले हर यश्वर तो कितने थे वो दस हजार पुत्र थे और नारद तपस्या के लिए गए थे वो तो कौन मिले वहाँ नारद मुनि नारद मुनि तो सब जगह देख रहे हैं कहाँ मुझे प्रचार के लिए अच्छे कोई भक्त लोग मिल जाए तो हर यश देखा उन्होंने उनका प्रचार करना शुरू किया तो जब नारद मुनि किसी को प्रचार करते हैं तो बहुत प्रभावशाली होते हैं तो उन सब ने सोचा कि अभी हम वैराग्य का जीवन स्वीकार करेंगे और वो घर छोड़ चले गए तो दक्ष प्रजापति दुखी तो हुए क्योंकि उनका काम है प्रजा उत्पत्ति करना प्रजापति है वो तो फिर उन्होंने और एक हज़ार पुत्रों की उत्पत्ति की जिनका नाम था शबलाश फिर वो भी तपस्या करने गए उस समय भी नारद मुनि वहाँ आए उनको भी प्रचार करके वैरागी बना दिया और दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया नारद मुनि को कौन सा श्राप दिया एक जगह पर आप रुक नहीं पाएंगे hmm? क्योंकि आप जाके सारे तरुण लोगों को भ्रष्ट कर रहे हो गलत उपदेश दे रहे हो संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि वो संसार का भोग करे और जब भोग करके उब जाएगा और समझ जाएगा कि ये संसार के भोग में कष्ट ही कष्ट है वास्तव में सुख नहीं है और फिर उसके हृदय में वैराग्य की भावना अपने आप उत्पन्न होगी तब वो विरक्त जीवन को स्वीकार कर सकता है ऐसा नहीं कि भोग के जीवन को स्वीकार करने के पूर्व ही बिना संसार का अनुभव किए हुए वो अपरिपक्व अवस्था में विरक्त विरक्त जीवन स्वीकार करने का प्रयास की करे इससे बहुत समस्या हो जाएगी hmm? ऐसे दक्ष प्रजापति ने बहुत अपशब्द कह दिए नारद मुनि को तो नारद मुनि ने जब सुना ये श्राप कि आप एक जगह में नहीं रहोगे तो बहुत प्रसन्न हो गए बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया आपने अभी मैं प्रचार करता हुआ भ्रमण करूँगा क्योंकि एक जगह रहने से आसक्ति हो जाती है हम भ्रमण करते रहेंगे तो आसक्ति होने के लिए कोई समय नहीं है कि... एक जगह जाएंगे फिर दूसरी जगह जाएंगे तीसरी जगह जाएंगे तो नारद मुनि इस प्रकार से सब जगह भ्रमण करते हैं अब यहाँ पर भी प्रचेताओं के सामने पहुँच गए तो जब नारद मुनि प्रचेताओं के सामने पहुँच गए तो इस श्लोक में क्या लिखा है कि प्रचेताओं ने क्या किया तम आगतम जैसे उनका आगमन हुआ ते तो यहाँ ते उत्थाय क्या किया उन्होंने वो उठे तो देखिए जब ऐसे कोई भक्त हमारे बीच में आते हैं तो जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए आ, तो ये पहली बात कई चीज़ें बताए हैं इस श्लोक में पहली बात है उत्थाय हमको उठना चाहिए हुँ? बैठे बैठे हरी बोल कैसे है <laughs> <laughs> आ, ऐसे नहीं उठना चाहिए आ, दूसरी बात क्या है प्रणिपत्य ये शब्द को हम सुन चुके हैं कहाँ शुद्ध सुने हैं आप इस शब्द को भगवद गीता में कौन से श्लोक में तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानं ज्ञान सदर्शि प्रणिपत्य का अर्थ क्या है प्रणिपात पात पत का मतलब निपात और प्रणिपात मतलब पूरी तरह से समर्पित होना नमस्कार करना प्रणाम करना दंडवत करना दंड दंड होता ना, दंडवत दंड गिरता है तो ऐसे गिरता है तो खैर दंडवत तो प्रणाम तो प्रणिपत्य फिर तीसरी बात क्या कही गई है अभिनंद्य अभिनंदन का अर्थात स्वागत करना स्वागत कैसे करते हैं कम से कम थोड़े सम्मानपूर्वक और मीठी शब्दों से hmm. और फिर क्या बताया गया यहां पर पूजय आए तो उन्होंने उनकी पूजा की hmm. और फिर यथा आदेशम सुख आसीनम उसके बाद नारद मुनि जब बैठ गए तो इसका अर्थ यह कि उन्होंने उनको क्या दिया बैठने के लिए आसन दिया अथ है वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी ने यह अनुवाद में लिखा है प्रश्न पूछना प्रारंभ किया क्योंकि प्रथा थी कि जब ऐसे नारद मुनि जैसे भक्त हमारे बीच में आते हैं और हम कुछ बोलना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक जितने भी स्वागत आदि के शब्द हैं उनके बाद जब वो सुखपूर्वक आसीन के आसन ग्रहण करते हैं तब जो भी हम बोलेंगे वो क्या होगा वो कोई अर्थपूर्ण प्रश्न होंगे कि हम अधिक पैसे कैसे कमा सकते हैं कैसे भोग कर सकते हैं सही है ना नहीं अर्थपूर्ण प्रश्न का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे करें भगवान के संबंध में आध्यात्मिक जीवन के संबंध में प्रश्न करना उन्होंने शुरू किया तो अभी इस श्लोक को देखकर जो विविध शब्द हैं इन श्लोकों में इस इस श्लोक में आप बताइए कि नारद मुनि हमारे बीच में आएंगे या कोई महान भक्त आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए एक एक के बाद एक शब्दों को बोलकर कहिए पहली बात क्या करना चाहिए उठाए उठना चाहिए फिर फिर प्रणाम करना चाहिए प्रणिपत्य फिर अभिनन्द अर्थात स्वागत करना चाहिए शब्दों से या अन्य तरीकों से भी चौथी बात पूजयित पूजा करनी चाहिए हम्म फिर आसन ग्रहण आसन देना चाहिए बैठने के लिए हम्म जैसे जब स्वागत की बात होती है अभिनंद तो स्वागत किस तरह से करते हैं तरह तरह से होते हैं जितने बड़े भक्त उतना बड़ा स्वागत में करना चाहिए हु? स्वागत हर एक का करना चाहिए परंतु भक्त को भेद करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि किनको कितना सम्मान देना चाहिए हु? तो जैसे वैदिक सभ्यता में अर्घ्य देते हैं अर्घ्य आपको पता आप में से जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं अर्घ्य आप में से कौन जानते हैं अर्घ्य क्या है अर्घ्य और क्या मिलाया जाता है उसमें शहद मिलाते हैं है। दही मिलाते हैं ऑल्टो सेवा करते बताओ दही दही, दूध थो। थोड़ा दूध दूध, पानी पन, पानी तो रहता है और शक्कर, या और हनी, मद शहद रहता है तो खैर ये मीठा अर्घ्य तो अर्घ्य अर्पण करना फिर थोड़े मीठे शब्दों से स्वागत करना उनको हम्म, ये सब स्वागत के विविध अंग हैं तो ये सब कुछ करना चाहिए तो हम देखते हैं ऐसे कई जगह शास्त्रों में बताया जाता है जैसे अभी अभी जो आपने श्लोक बताया तद विधि प्रणिपातेना जैसे हमें क्या करना चाहिए उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तद विधि प्रणिपातेना पहला फिर दूसरा प्रश्न दूसरी बात परिप्रश्न यहाँ जैसे कि अथा अभ्रुवन प्रश्न करना शुरू कर दिया परिप्रश्न फिर सेवया उनकी सेवा करनी चाहिए hmm? इस तरह से हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में और एक श्लोक भी है कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए कौन सा श्लोक ग्यारहवें स्कंद का यम शाब्दे परे निष्णतम ब्रह्मण्य उपशमाश्रय तो तस्माद तस्माद मतलब अतः क्योंकि हमें जीवन मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है गुरुम प्रपद्येत हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए और कैसे होना चाहिए जिज्ञासो होना चाहिए श्रेय उत्तमम हमारे सबसे परम कल्याण के बारे में हमें प्रश्न पूछने चाहिए केवल संसार के बारे में या हम कैसे भौतिक जीवन में समस्याओं का छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकें इनका नहीं आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न करने चाहिए तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम फिर शाब्दे ये जो पहले ये दो पहला आधा श्लोक है ये शिष्य के बारे में दूसरा आधा श्लोक है ये गुरु के बारे में गुरु कौन होते हैं शाब्दे निष्णातम जो शब्द को जानते हैं अच्छी तरह से शब्द अर्थात शास्त्र शाब्दे परे च निष्णतम परे च निष्ठा और भगवान में की पूरी श्रद्धा है ब्रह्मणी उपशमाश्रयम पूरी तरह से भगवान की शरण में सेवा में रत रहते हैं हुं? तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए तो ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हम पाएंगे कि महान भक्तों का स्वागत कैसे किया जाना चाहिए ऐसे श्रीमद्भागवतम में भी है रामायण में आप देखेंगे महाभारत में देखेंगे बड़े बड़े राजा भी जब अचानक उनके दरबार में कोई बड़े साधु प्रकट हो जाते थे तो राजा उठ जाते थे और साधु को सिंहासन पर बिठा देते थे तो कभी कभी ऐसे होता है भक्त लोग जब किसी आ, व्यापारी भक्त के यहाँ जाते हैं तो उठकर सम्मान से वो अपनी कुर्सी में बिठाने के लिए आग्रह करते हैं कि आप बैठ जाइए यहाँ पे भक्त लोग कभी कभी घबराते हैं उस कुर्सी में बैठने के लिए <laughs> <laughs> तो ऐसे खैर एक स्वागत की पद्धति है ये अतिथि स्वागत अतिथियों का विशेष करके जितने बड़े वो अतिथि हैं बड़े अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े हैं उतना ही स्वागत हमारा होना चाहिए उस तरह से होना चाहिए तो नारद मुनि वहां पहुंचे नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा की कैसे की अब प्रचेतागण कैसे उनका स्वागत करेंगे किस तरह के प्रश्न पूछेंगे आने वाले श्लोक से हम सुनेंगे hmm? तो नारद मुनि की कृपा सब जगह होती है नारद मुनि भेद नहीं करते हैं कि मैं केवल भक्तों को ही जाके प्रचार करूंगा केवल श्रद्धालु लोगों को ही जाके प्रचार करूंगा नहीं नारद मुनि को भक्ति शक्ति प्राप्त हुई है ना तो कभी मृगारी और रत्नाकर के पास जाएंगे जिनके कोई गुण नहीं थे बल्कि बड़े क्रूर थे अत्याचारी थे वो उनके पास भी गए थोड़े ऐसे थे नलकू और मणि गरीब जो ऊपरी लोगों में होते वो भी बेशर्म थे सही नीति क्या उनको पता नहीं थी और कभी कभी ऐसे कोई सभ्य व्यक्तियों के पास जाते हैं कभी दुष्ट लोगों के पास जाते जैसे कंस कभी कभी बड़े बड़े भक्तों के पास जाते हैं इस तरह से नारद मुनि भेद नहीं करते सब जगह जाके भगवान की कृपा का वितरण करना चाहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा